नई सिबा प्रेजेंट्स राहे हिदायत बाय मुफ्ती सादिक अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामईन किराम, आज के सेशन में हम लैलतुल जाइजा यानी इनाम वाली रात के मुतालिक बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों, सआदतों और नेकियों का मुबारक महीना है, जिसमें अल्लाह ताला की जानिब से मोमिन बंदों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है, जबकि तरावीह की शक्ल में क़ियामुल लैल को मसनून करार दिया गया है और इनके अलावा दीगर नेक आमाल का इस माह मुबारक में मोमिन बंदों को हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नेक बंदे अपनी इस्तेताअत के मुताबिक नेक आमाल करने की कोशिश करते हैं और इस मुबारक माह को अपने रब की खुशनूदी में गुजारने की जद्दोजहद करते हैं। जब बंदे अपने रब की खुशनूदी की खातिर दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को क़ियामुल लैल करते हैं और दीकर नेक आमाल करते हैं, तो अरहमुर राहिमीन भी इन पर रहम फरमाता है। वो रब्बी करीम यूँ तो हर इफ्तार के वक्त लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करता है, लेकिन खसूसियत से रमज़ानुल मुबारक की आखिरी यानि ईदुल फितर की रात में ये बख्शिश व अता आम हो जाती है। सामईन किराम, ईदुल फितर की रात को लैलतुल जाइज़ा कहा जाता है। अरबी ज़बान में जायज़ा के माने हैं इनाम। इसको इनाम की रात इसलिए कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदार ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो मशक्क़त और तकलीफ़ बर्दाश्त की है, इसके इनामात इस रात में तकसीम किए जाते हैं। हदीस के मुताबिक जब ईदुल फितर की रात आती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जाइज़ा यानि इनाम की रात से लिया जाता है। शुआबुल ईमान लिलबैहकी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक पांच खसूसियतें ऐसी अता की गई हैं जो साबिका उम्मतों को नहीं मिली। इनमें से एक ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये शबे कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये रात शबे कदर नहीं, बल्कि ये इसलिए है कि काम करने वाले को काम पूरा करने पर मजदूरी दी जाती है। कशफुल अस्तार। इस रात की अहादीसी मुबारका में और भी बड़ी फजीलतें आई हैं। चुनाचे हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईदेन की रातों में जागकर इबादत का एहतमाम करेगा, उसका दिल उस वक्त भी जिंदा रहेगा जिस वक्त सब के दिल मुर्दा हो जाएंगे, यानी क़ियामत वाले दिन। इब्न माजा। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, जो शख्स चार रातों को इबादत के ज़रिए ज़िंदा करे उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। लैलतु तरविया यानि आठ ज़ुल्हज्जा की रात, आरफा यानि नौ ज़ुल्हज्जा की रात, लैलतु नहर यानि दस ज़ुल्हज्जा की रात और लैलतुल फितर यानी ईदुल फितर की रात। और एक और हदीस जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफ़न मरवी है, उसमें है कि पांच रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ को रद्द नहीं किया जाता। नंबर एक, जुमे की रात। नंबर दो, रजब की पहली शब। नंबर तीन, शाबान की पंद्रहवीं शब। नंबर चार, ईदुल फितर की रात। नंबर पाँच, ईदुल अज़हा की रात। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक। इसीलिए दोनों ईद की रातों में इबादत करना फजीलत और सवाब का काम है।
इसे फुकहा ने मुस्तहब करार दिया है और लिखा है कि इसमें दुआ कबूल होती है। सामईन किराम, अल्लाह ताला ने हमें ये ज़र्री मौका इनायत फरमाया है तो हस्बी इस्तेताअत नेकियां करें। ईद की ख़रीदारी के नाम पर बाज़ारों की जीनत ना बने और ना ही फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करें। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से नजात का परवाना नसीब फरमाए और हमारे रोज़ों, तरावी और दीगर नेक आमाल को कबूल फरमाए और बार बार हमारी ज़िंदगियों में रमज़ानुल मुबारक लाएं और हमें इसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन वस्सलाम।